ट्राई फेड के प्रबंध संचालक श्री प्रवीण कृष्ण वंदन योजना के तहत बड़वानी में ट्राइबल महिलाओं को माहेश्वरी बाघ चंदेरी साड़ी को बनाने का प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करते। इन महिलाओं द्वारा निर्मित साड़ी को ट्राइब फेड देश के साथ साथ विदेशों में विक्रय की व्यवस्था करेगा एमपी यूजकास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट। योजना का शुभारंभ हो रहा है, इसके अंतर्गत लगभग 300 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को मध्य प्रदेश की जो हेरिटेज क्राफ्ट्स हैं बाघ प्रिंट्स माहेश्वर और चंदेरी, उसमें उनका प्रशिक्षण प्रोडक्शन और मार्केटिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। बड़वानी की ये 300 महिलाएं इन तीनों ही हेरिटेज टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन करेंगी और ट्राइफेड के माध्यम से इसकी पूरी दुनिया में हम इसकी मार्केटिंग करेंगे। अमेजोन से समझौता किया गया है कि ये जो विश्व स्तरीय ये प्रोडक्शन होगा और इसमें हमारे साथ जो हम कलेक्टर साहब हैं, सीईओ साहब हैं बड़वानी के, अमित और अंकित, और हमारे इसकी खासियत यह है कि इसे व्यावसायिक दृष्टि से किया जा रहा है। इसमें जो दुनिया के श्रेष्ठतम देश के श्रेष्ठतम कलाकार है वो ये प्रशिक्षण देंगे। खत्री साहब हैं, हेमलता कर रहे हैं और चंदेरी की भी एक बड़े नेशनल अवार्ड के विनर हैं, वो इसका प्रशिक्षण देंगे और ये 6 महीने की ट्रेनिंग 10 वर्षों तक आगे संचालित होगी, क्योंकि ये सभी लोग उससे जुड़े रहेंगे और ट्राइफेड 2 महीने से इनकी उत्पादित सामग्रियों को खरीदना शुरू कर देगा। तो इन्हें हमने एडवांस जो कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज और एडवांस रूप से तैयार कर लिया है और इन्हें हम 30 से 35 लाख का ऑर्डर देंगे और पूरी दुनिया में इसका विक्रय करेंगे। भारत पेट्रोलियम कंपनी ने इसमें CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत ये हमें 5 करोड़ की राशि दी है बढ़वानी के लिए, जिसके अंतर्गत हम ये काम कर रहे हैं और उनका भी हम बहुत आभार मानते हैं कि ये कार्य संपन्न हुआ। कलेक्टर ने और सीओ ने और हमारे सभी ट्राइफेड के अधिकारी रीजनल मैनेजर हैं जगन्नाथ, बहुत परिश्रम से उन्होंने काम किया है और देश का पहला इस प्रकार का यूनिट है जहाँ पर आदिवासियों को हेरिटेज के साथ जोड़ा जा रहा है, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के साथ जोड़ा जा रहा है और वैश्विक बाज़ार की ओर दृष्टि रख के ये पूरा कार्य किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सभी अधिकारी हम सब मिलके ट्राइफेड और BPCL और ज़िला प्रशासन पूरे परिश्रम से और हमारे मास्टर ट्रेनर्स वो सब उनके मार्गदर्शन में ये कार्य होगा और इसे हम विश्व स्तरीय केंद्र बनाएंगे और बड़वानी शीघ्र ही माहेश्वर चंदेरी और बाघ के लिए जाना जाएगा। और हमारी महिलाओं से हमने अभी चर्चा की है जो ये इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, उनसे ये कहा गया है कि दिन में कम से कम 5 से 8 घंटे काम करना आवश्यक होगा, कला को सीखने की आवश्यकता है, सरकारी योजना की तरह नहीं लेना है और हम इसमें हम सिलेक्शन करेंगे, जो काम नहीं कर पाएंगे उनको इस योजना से अलग करना पड़ेगा क्योंकि गुणवत्ता से कम की सामग्री दुनिया के बाज़ार में बिक नहीं सकती। तो ऐसी चीज़ें हमें उत्पादित करनी है जो विश्व के बाज़ार में बिक पाए, उस दृष्टि से ये काम प्रारंभ किया गया और ऐसी उम्मीद है कि इसमें हम ज़रूर सफल होंगे और देश के 307 ज़िलों में इसका हमें विस्तार करना है। जो वंदन योजना है करीब करीब 400 प्रस्ताव अमित रिसीव और हम इसको एक एक करके राज्यों में जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार करें। ये रियल ट्राइबल डेवलपमेंट एंटरप्राइज, ट्राइबल एंटरप्राइज, ट्राइबल बड़े स्किलफुल होते हैं, हम सोचते हैं ट्राइबल को हमें सिखाना है, वो सब जानते हैं, बस उन्हें मार्केट से जोड़ना बंद होता है, थोड़ी सी कला को वो फिनिशिंग कर देना है और फिर उसे मार्केट से जोड़ने का काम जो है वो मार्केटिंग अच्छा नहीं कर पाते, वो मार्केटिंग की जो गैप है उसको हम फिलअप करेंगे ज़िला प्रशासन और ट्राइफेड मिलके और फिर ये देखिए विश्व तक ये सारी बात चलेगी। तो वंदन की बात मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई और पूरे देश में जाएगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और बहुत शीघ्र आप सभी ज़िलों से इसकी खबरें सुनेंगे। सर मॉडल जिले के तौर पर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत बड़वानी में ये बड़वानी मॉडल के रूप में इसको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी आधार पर जो यहाँ योजना बनी है उसको अन्य ज़िलों में भी डुप्लीकेट करेंगे, उसकी जो नोट है वो हम सभी ज़िलों को भेज रहे हैं। झाबुआ से वहाँ के सांसद महोदय डामोर साहब ने अभी तत्काल अभी मैं झाबुआ जा रहा हूँ, उसके बाद अन्य ज़िलों में भी ये कार्य प्रारंभ होगा। और देश में और कहाँ कहाँ इस योजना का क्रियान्वयन 307 ट्राइबल ज़िलों को चुना गया है, 27 राज्यों के 307 ट्राइबल ज़िलों को चुना गया है और वहाँ पे 2 प्रकार की स्ट्रीम में काम होगा, एक क्राफ्ट जो ये हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, तो दूसरा जंगल के जो उत्पाद हैं महुआ टोरा कोसा इमली और इनकी वैल्यू एडिशन करके उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग की भी योजना है। तो इस दृष्टि से हम ये 2 तरह के काम जो निवासी करते हैं जो जिसमें वो पूरी सक्षम है
हम उन्हें मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग की ट्रेनिंग देंगे जिससे बड़े बाजारों से वो जुड़ पाए। सर हेमलता का जिक्र बीच में, हेमलता हमारी ट्रेनी थी दो वर्ष पहले, ये महेश्वर की निवासी हैं और इन्होंने माहेश्वरी साड़ियाँ और कपड़े बनाने की ट्रेनिंग ली और इन्होंने प्रारंभ किया। 20-25 महिलाओं का समूह इन्होंने तैयार कर लिया है और हर 6 महीने पर इन्हें लगभग 30-35 लाख का ऑर्डर हमें माहेश्वरी की इनको हम दे रहे हैं, वो यहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। सर महिलाओं को कितनी बचत होती है इसमें? सर अगर 8 घंटे अगर आप रोज़ परिश्रम करें तो 15 से 20 हज़ार महीना वो महिला कमा सकते हैं। काम करने पे जितना काम करिएगा उतना उसमें स्किल पहले सीखना है, कला सीखनी, कला अगर सीखेंगे तो उसको फिर 8 घंटे रोज़ परिश्रम करेंगे तो हम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने हर महिला इसमें कमा सकते हैं। मतलब सर आपका कहना ये है कि जितना भी महिला सामान उत्पादित करेंगी वो आप 100% मार्केटिंग के लिए ले लेंगे? 100% गुणवत्ता की उसमें एक बहुत कड़ी परीक्षा होगी और वो जो सही सामग्री उस गुणवत्ता की बनानी है और हम उसकी 100% मार्केटिंग ट्राइफिट करेंगे। प्रोडक्शन यूनिट जी ये हमारे जिम्मा रहेगा। प्रोडक्शन यूनिट या जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ बनाएंगे? ये प्रोडक्शन यूनिट कलेक्टर साहब जिले में 3-4 स्थानों पर प्रारंभ करेंगे। हमारे मास्टर ट्रेनर्स उन जगहों का स्थान का चयन करेंगे, उसमें लूम्स लगाए जाएंगे, बाघ प्रिंट वाले पिट्स बनाएंगे और फिर उसका हमने इन्हें टारगेट दिया कि 15 नवंबर तक या 30 नवंबर तक पहले उत्पादित सामग्री का क्रय ट्राइफिट कर लें। तो इसी हिसाब से बैकवर्ड प्लानिंग करनी है सीओ साहब को और कलेक्टर साहब को, हमारी पूरी टीम को, जो आजीविका मिशन है और एस्पिरेशनल।